गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज हमारी 3.2। इससे पहले की एक्सरसाइज हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको याद होगा 3.1 में हमने एडिशन किया था, यानी दो वैल्यू को हमने जोड़ा था। आज हम सीखेंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। देखिए, सब्सट्रैक्ट का जो साइन होता है वो ये होता है, माइनस। माइनस का जो साइन, मतलब ये सिंबल किस चीज़ का होता है, माइनस का कह लीजिए या सब्सट्रैक्ट का कह लीजिए। तो आज हमें क्या सीखना है, सब्सट्रैक्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी बुक निकाल लीजिए सबसे पहले, पेज नंबर 21। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक आंसर पे हमें टिक करना है। आंसर मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू बता दूंगी, उस पर आप लोग टिक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने स्पेस रखा है, जिसे फर्स्ट वैल्यू है हमारी 46,79,823 और माइनस कितना करना है हमें, 1। तो कितना हो जाएगा, 3 है, 3 में से 1 गए तो कितने बचे, 2। आपको माइनस करना आता होगा, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने सीखा होगा। हम इस तरीके से भी करते थे पहले जब छोटे थे, कि 1 है तो 1 कट कर दिया, 1 और 2 बचे। फिर हमने फिंगर्स पे भी सीखा, और अब तो हम अपना ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 में से 1 गए तो 2, और यहाँ पे कुछ माइनस के लिए है नहीं, तो सेम सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, 46,79,822। तो अपनी बुक में देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड। कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको अपनी बुक में ही करना है, इसे कॉपी में मत करना, ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में ही फिल हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, हमें पहले सम्स बना लेते हैं। 2,35,596 और कितने माइनस करने हैं हमें, 10,000 माइनस कर दिया हमने। कितने बचे, 6 में से 0 गई 6, 9 में से 0 गई 9, 5 में से 0 5, 5 में से 0 5, और 3 में से 1 गया, कितने बचे थे हमारे, 2। और यहाँ 2 क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 2,25,596। तो इसका कौन सा है, इसका भी हमारा बी वाला पार्ट बिल्कुल सही है, सेकंड वाला, बी का भी सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सही है। उस पर टिक कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्या करना है हमें, माइनस करना है। आपके बुक में इसी तरीके के सम्स दिए हैं, मैंने अपनी बुक कॉपी में नोट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 0 है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0, तो 1 हम कैरी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ भी 0 है तो हम 3 से 1 क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ 10 हो गया, 10 में से इसे कैरी दे दिया तो यहाँ 9 बचा, और यहाँ कितना हो गया, 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गए 8, और इधर कितना बचा था, 2, 9 हमारा बड़ा है तो 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे, लेकिन ये 0 है तो 0 कहाँ से कैरी लेगा, 7 से, तो यहाँ कितना बच गया, 6, इसने कैरी इसे दिया तो यहाँ 9 बच गया, और यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3, 9 में से 5 गए 4, एंड 6 में से 1 गए तो कितने बचे हमारे, 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 में से 5 गए हमारे 3, 4 हमारा छोटा है 6 से, तो 1 हमने कैरी ले लिया तो कितना हो गया, 14, और इधर कितना बचा, 4,
14 में से 6 गए हमारे 8, अब 4 छोटा है 6 से तो 1 इसने इससे कैरी ले लिया, ये भी 14 हो गया। 14 में से 6 गए, यहाँ भी कितना बचा हमारा 8, इधर कितना बचा था हमारा 3, क्योंकि 1 हमने इसे कैरी ले लिया दे दिया था, तो 3 छोटा है 7 से तो 3 ने इससे कैरी लिया, 13 हो गया। 13 में से 7 गए, कितने बचे 6, इधर 2 बचे थे क्योंकि 1 इसे कैरी दे दिया था। अब इसको देखिए, ये भी छोटा है तो इसने 2 से एक उधर कैरी लिया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, अब ये 1 है ये 5 है, यहाँ 1 इसे कैरी ले लिया, यहाँ 3 बचा 11 हो गया, 11 में से 5 चले गए तो हमारे कितने बचे 6, 13, 1 इधर से कैरी ले लेंगे, ये 6 बचे गए या 13 हो गया, 13 में से हमारे 8 चले गए तो कितने बचे 5, और 6 में से बन गए 5, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका जो सी पार्ट है बुक में ही है, आपको अपने आप करना है, ये आपके होमवर्क में दे रही हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, समझ में आया होगा आपको, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल माइनस करना है, माइनस करना हम इससे पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या अरेंज करना सिखाया था, किस तरीके से ऊपर मैं 1000 वगैरह नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही करते हैं नॉर्मल स्पेस दे दे के, स्पेस देना है आपको हर डिजिट पे ताकि आपको समझ में आए। माइनस का सिंबल है, माइनस करना है हमें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 4 गए हमारे कितने बचे 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 3 यहाँ भी हमारे 5 बचे, 9 में से 3 यहाँ हमारे कितने बचे 6, और 8 में से 2 चले गए तो यहाँ भी हमारे कितने बचे 6। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ए। बी करते हैं, चलिए सबसे पहले इसे माइनस में इसे जैसे मैंने ऊपर लिखा था, अरेंज किया था, इसी तरीके से कर लेंगे, 9 8 7 5 4 3 2 5,
वन सेवन फाइव फाइव सेवन फोर थ्री सेवन। माइनस का साइन, ये साइन ज़रूर लगाने हैं आपको। फाइव में से वन गए फोर, ठीक है। टू है, टू छोटा है सेवन से, तो वन कैरी ले लेंगे। इधर कितना बचा ट्वेल्व और इधर कितना बचा टू। ट्वेल्व में से सेवन गए तो कितने बचे फाइव, ठीक है। अब ये टू छोटा है फाइव से, तो वन इसने इससे कैरी ले लिया। इधर थ्री बचा, इधर ट्वेल्व हो गया। ट्वेल्व में से फाइव गए तो यहाँ भी कितना बचा, यहाँ कितना बचा हमारा सेवन, ठीक है। थ्री बचा, थ्री में से वन इधर के ले लिया। थर्टीन, थर्टीन में से हमारे फाइव चले गए तो कितना बचा एट। इधर फोर बचा हमारा, फोर इसे क्या ले लिया, यहाँ सिक्स बचा, यहाँ फोर्टीन हो गया। फोर्टीन में से सेवन गए सेवन, सिक्स में से फोर गए टू, एट में से फाइव गए थ्री, वो एट में से थ्री गए फाइव, एंड नाइन में से सेवन गए दो टू, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये क्वेश्चन नंबर बी है हमारे थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी और डी आपको स्वयं करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का ए, देखिए इसमें मिसिंग वैल्यू हमें पता करनी है। कल हमने जो सम्स का था वो भी करा था, इसी तरीके से जो एडिशन का क्वेश्चन था। फोर सेवन सिक्स सेवन एट नाइन वन एट वन टू माइनस टू नाइन टू थ्री, ठीक है। देखिए 18 में से 9 गए तो कितने बचे 9। अब यहाँ तो ये तो छोटा है 9 से, तो इसने वन कैरी लिया होगा, है ना। तो यहाँ कितने बचे थे हमारे 6। अब 6 में देखिए कितने माइनस करें कि 2 आए 4, ठीक है। क्लियर है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारा। यहाँ यहाँ पर देखिए, अब नाइन में कितने, मतलब कि हमें वन माइनस करना है, तो कितने में से ज़ीरो लिख देते हैं क्योंकि टेन हो जाएगा। टेन में से एक वन इधर कैरी हो जाएगा तो कितना हो गया, इधर हमारा फाइव बचा। इधर टेन में से वन गया नाइन, अब ये फाइव, फाइव में से यानी वन इधर कैरी ले लिया, ये सिक्स हो गया। फिफ्टीन में से एट गए सेवन, ठीक है। अब सिक्स में से वन गए फाइव, अब इधर देखिए कितना होगा हमारा फोर, कितना होगा हमारा फोर, और यहाँ पे हमारा होगा वन, क्योंकि फोर में से वन गए तभी हमारे थ्री बचेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर के जो बाकी के पार्ट्स हैं हमारे, वो भी इसी तरीके से करने हैं। बी एंड सी ये आपको अपने आप करने हैं, होमवर्क है आपका। आपको समझ में आ रहे होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फाइव को एक बार रीड करते हैं। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर फॉर्मड बाय द डिजिट फाइव सिक्स जीरो नाइन। आपको याद हो जब हम 1.3, 1, 2, 3, 4 पढ़ रहे थे तो हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने सीखे थे, जो डिजिट हमारी दुई हुई होती है। तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है,
फिर उनको उनका मतलब कि डिफरेंस निकालना है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5, 6, 0, 9, 8, 1, 2, 3 क्या होगा? 9, 8 आपको पता है, पहले सबसे बड़ी डिजिट फिर छोटी, फिर हमारी 7 तो है नहीं, 6, 5, 4 भी नहीं है, 3, 2, 1 यही है हमारी, और 0 यही है। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ दूसरी डिजिट क्या दे रखी है, 4, 1, 0, 3, 7, 5 इसकी क्या बनेगी, 7, 5, 4, 3, 1, 0 यही बनेगी। अब क्या लिख देते हैं, डिफरेंशिएट लार्जेस्ट नंबर, देखिए क्या होगा, पहले से लिखते हैं 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 4, 5, 7 चलिए हमें ये माइनस करना है, 0 में से 0 गई 0, 1 में से 1 गया तो 0, ये 2 है छोटा है तो 12 हो जाएगा, 1 कैरी ले लेंगे यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 3 गए 9, अब 1 इधर कैरी ले लेंगे यहाँ 4 बचेगा, 12 में से 4 गए 8, अब 1 हमने इधर से कैरी ले लिया इधर 5 बचा, ये 14 हो गया, 14 में से 5 गए 9, अब 8 में से 1 इधर ले लेंगे यहाँ 7 बचा, 15 में से 7 गए 8, 7 क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, और 9, तो हमारी डिजिट क्या आ गई, 9,78,98,900 दैट इज आंसर, क्लियर है। चलिए बी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, लिखा क्या है, इन अ ईयर अ कोल्ड ड्रिंक कंपनी सोल्ड 5,88,79,462 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन समर, वेरस इन विंटर इन सोल्ड 3,38,45,871 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हाउ मैनी मोर बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक वर सोल्ड इन समर देन इन विंटर। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, माइनस करना है, हमें निकालना है कि सर्दियों में कितनी बॉटल हो गई, मतलब कि गर्मियों में कितनी अधिक बॉटल सोल्ड हुई कंपैरिजन टू सम विंटर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स नंबर ऑफ सॉल्ट बॉटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्ट बॉटल्स इन समर कितनी है,
5,88,79,462 और नंबर ऑफ सोल बॉटल इन विंटर कितना है ये 3,38,45,000 ठीक है। बोतल इन समर देन इन विंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं 5,88,79,462,17,85,483,3 टू में से वन गए 1,6 छोटा है 7 से तो 1 कैरी ले लिया 16 हो गया इधर 3 बचा 16 में से 7 गए 9,3,13 ये 8 बचा 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5 8 में से 5 गए तो 3 7 में से 4 गए तो हमारे 3 8 में से 8 0 8 में से 3 कितना बचा 5 और 5 में से 3 गए तो 2 ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2,50,33,591 more bottles are sold in summer। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th चल रहा था, सॉरी यहाँ पे 4 ही लिखा रह गया। 5th का बी है आज हमने कर लिया है, आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।